हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड टॉपिक वाईटी। मैं आपके साथ हर्षित सागर स्वागत करता हूं हम सबका इस वीडियो में। गाइस कैसे हैं आप सब? जैसे आप इस वीडियो में देख चुके होंगे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप कैसे लगा सकते हैं अपने फोन पे फिंगरप्रिंट पासवर्ड। तो गाइस वीडियो देखना एंड तक। तो गाइस बहुत ही आसान से ट्रिक है और ये मेरी टेक्नोलॉजी की वीडियो, टेक की वीडियो बेसिकली। और बड़े दिनों से मेरी कुकिंग वीडियोस आपको देखने को मिल रही थी और स्टडी से रिलेटेड मेरी लास्ट वीडियो आई, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। और गाइस जैसे आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, आज मैं आपको बता जा रहा हूँ आप कैसे लगा सकते हैं अपने फोन में फिंगरप्रिंट पासवर्ड। जी हाँ गाइस, देखिए बेसिकली वैसे सबको यूज करना आता है, लेकिन ये वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि व्यूअर्स के कमेंट आ रहा था, मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहे थे कि मेरे को एक बार ये वाली वीडियो भी सिखा दो, मतलब इस एक वीडियो बनाओ जिसमें मेरे को ये भी सिखा दो कि मैं कैसे लगा सकता हूँ पासवर्ड। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और बहुत ही आसान सा तरीका, और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फोन के अंदर ऑप्शन नहीं है फिंगरप्रिंट पासवर्ड का, तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके छोड़ सकते हैं। और चलिए जिनके फोन के अंदर फिंगरप्रिंट पासवर्ड है वो देखना वीडियो को एंड तक, और चलिए वीडियो को कर देते हैं शुरू। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे लगा सकते हैं अपने फोन पे फिंगरप्रिंट पासवर्ड, कि मतलब जो आपका फोन अनलॉक या अनलॉक होएगा वो सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से ही होगा। फिंगरप्रिंट जो पासवर्ड लगेगा आप उसका मैं मतलब भी बता देता हूँ। मतलब जो भी देखिए जैसे फिंगर है, ठीक है ये फिंगर है, और इस फिंगर को हम अपनी स्क्रीन पे ऐसे टच करेंगे तो हमारा फोन हो जाएगा अनलॉक। तो ये बेसिकली ये होता है फिंगरप्रिंट पासवर्ड अनलॉक। तो चलिए अब इसको लगाना सीखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे लगा सकते हैं अपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट पासवर्ड। तो गाइज उसके लिए मैंने एक फोन ले लिया है और आपको सिंपली बता देता हूँ। जैसे अब ये वाला फोन है, देखिए इसके अंदर फिंगरप्रिंट का पासवर्ड है। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको यहाँ पे मिल सकता है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, देखिए। और यहाँ पे सिंपली टच करने, देखिए अगर आप फोन की स्क्रीन को ऐसे टच कर देते कि स्वाइप टू अनलॉक है, इसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं है। आज आपको बताऊंगा आप कैसे लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट पासवर्ड। सिंपली आपको यहाँ से चल जाना सेटिंग में। गाइस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, हम फटाफट आपको बता दो आपको क्या करना है। सिंपली आपको जाना सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आपके फोन के अंदर सिक्योरिटी मोड है, तो अगर आपको वहां पे भी अगर आपको फिंगरप्रिंट और पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है कई फोन्स में, लेकिन कई फोन्स में आपको नहीं मिलता है। सिंपली वहां पे लिखा होता है लॉक स्क्रीन पासवर्ड, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। आप देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, आपको एक मिनट और जूम करके दिखा देता हूँ कैमरे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाला जो ऑप्शन आ चुका है, ये वाला लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सिंपली कर देना क्लिक, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार आप देख सकते हैं। एक्चुअली गाइस मैंने यहाँ पे ट्राईपोड रखा हुआ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो एक मिनट में सेट कर लेता हूँ उसको, एक मिनट गाइस। तो चलिए मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है, अब तो शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर ट्राईपोड रखा हुआ था। सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोन की स्क्रीन पे, देखिए आपको दोबारा दिखा दो, तो लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे आपको जाना है। और यहाँ पे आपको सिंपली अगर आपके फोन के अंदर सपोर्ट करता है फिंगरप्रिंट, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाएगा ऐड फिंगरप्रिंट का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कर देना क्लिक फिंगरप्रिंट के बाद। देखिए गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो आपको कोई एक सिक्योरिटी के लिए आपको पिन देना पड़ेगा, पैटर्न देना पड़ेगा, या फिर आपको कोई पासवर्ड देना पड़ेगा। मान लीजिए कई बार अगर आपका जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड है अगर वो वर्क नहीं करता, तो आप अपने फोन को अनलॉक कैसे करेंगे? उसके लिए हमें कोई एक ऑल्टरनेटिव एक पासवर्ड देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पिन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। और मैं सिंपली यहाँ से अपना पिन दे देता हूँ जो मेरे को देना है। और यहाँ पे जो आपकी फिंगर है देख सकते हैं, जैसे ये मेरी फिंगर है, इसको आपको सिंपली यहाँ पे करना है टच। आप ऐसे टच करते रहिए, देखिए यहाँ पे ये फील होता रहेगा सिंपल, जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट लगे वहाँ पे टच होता रहेगा। और आप इसको 5-6 बार टच करेंगे तो यहाँ पे डन सक्सेसफुली हो जाएगा। और इसको आप कर देना, अगर आप यहाँ पे नेम देना चाहते हो तो दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना नेम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे हर्षुल लिख दिया, डन कर दिया। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमारा लग चुका है। और यहाँ पे आपको सिंपली कर देना अपने फ़ोन को बंद, फ़ोन को करना है अनलॉक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे अब पूछ रहा है पिन जो हमने दिया था, वो भर देते हैं। फ़ोन हो चुका है हमारा अनलॉक, इसको करते हैं बंद और खोलते हैं फिंगरप्रिंट से। देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे कीजिए टैप, फ़ोन हो चुका है अनलॉक, नो फेक, 100% रियल।
एक मिनट यहाँ पे यहाँ से लगा के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इस बार पासवर्ड नहीं डाला, फोन अपने आप अनलॉक हुआ है, दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखिए ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं गाइस। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस, बाय बाय, बाय बाय।